इंफ्रास्ट्रक्चर के चार पांच कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इनके बारे में हमको समझना जरूर चाहिए। तो फर्स्ट में आ जाता है जीपीटी इंफ्रा। अब देखिए, जीपीटी इंफ्रा करती क्या है, ब्रिजेस बनाती है, हाईवेज बनाती है, रेल रोड्स बनाती है, और ये सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करती है, इंटरनेशनली भी ऑपरेट करती है। साउथ अफ्रीका और घाना जैसे देशों में इसका काफी अच्छा प्रेजेंस है। तो ये जो कंपनी है ये इस टाइप का काम करती है। इसके अलावा अगर दूसरी कंपनी का बात किया जाए तो RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल रोड्स और इंफ्रा, रेल इंफ्रा के सेक्टर में जो भी काम है उसको काफी अच्छी तरह से अभी कर रही है, और एक इमर्जिंग कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है। नेक्स्ट अगर स्टॉक का देखा जाए GMR इंफ्रा। अब ये GMR इंफ्रा क्या करती है, ये हेवी प्रोजेक्ट पे काम करती है, जैसे कि आपका एयरपोर्ट्स हो गया, बड़े बड़े हाईवेज हो गए, तो ये सब काम जो है ये करती है GMR इंफ्रा। तो ये भी एक काफी अच्छी कंपनी है। एक और कंपनी है सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। अब ये सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर भी फ्लाईओवर्स, हाईवेज, रोड्स ये सब भी अच्छी तरह से बना रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी करती है, तो एक अच्छी कंपनी है। बट रिसेंट कुछ दिनों में उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, वो भी सॉल्व हो गया है, तो एक अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट एक कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी NBCC। NBCC का इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही जबरदस्त बैकिंग है। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मेनली काम पर करती है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ये जो पांच कंपनी मैंने आपके साथ शेयर किया, GPT इंफ्रा, GMR इंफ्रा, सुप्रीम, इसके अलावा RVNL और NBCC, तो ये चार पांच स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म आने वाले टाइम में कर सकते हैं, तो इसको जरूर अपने वॉच लिस्ट